बात समझ में आती है कि हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में आप जल निकलेगा, एक ही बात कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, हिंदुओं के साथ इस देश में कितना अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में कितना अत्याचार हुआ, और इस सिनेमा हॉल में जो भी व्यक्ति था वो सब रो रहे थे। धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई ऐसे फिल्म बनाने की। ये योगी जी को संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए। फिल्म बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन वो किन विचारधारा की वजह से छोटे बच्चों को वो मार सकते हैं, बच्चों को खून लगा खिला सकते हैं, पूरे भीड़ के सामने छोटे बच्चों का रेप कर सकते हैं, वो विचारधारा क्या है? कहीं जाते हैं छोटा सा भी खून निकलता है तो कितना तकलीफ होता है। इन लोगों के अंदर ये ऐसी भावनाएं गंदी आती है नहीं, हवा नहीं है जो हम लोग देख नहीं पाए, हर व्यक्ति रोया। कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, थिएटर में आती हैं और अच्छी कमाई करके चली जाती हैं। कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना लेती है, और फिर आती है ऐसी फिल्म जिनमें नो ड्रामा, नो ओवरराइटिंग, बस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट रियल एक्टिंग, रियल थॉट्स एंड रियल इमोशंस, जो कि हमारे दिमाग में और इस समाज में एक अलग ही छाप छोड़ कर जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द कश्मीर फाइल्स। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। लेकिन अभी तो ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि अभी ये फिल्म भी आई हुई है, क्योंकि दूसरी बॉलीवुड मूवीज़ की तरह सिर्फ मूवी को अच्छी कमाई कराने के लिए कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ, बस कॉन्टेंट के दम पर इसे रिलीज किया जाना था। द कश्मीर फाइल्स, कश्मीर में हमेशा क्या माहौल रहता है ये तो सब जानते ही हैं, और मूवी में इसी टॉपिक पर बात की गई है। वहाँ रह रहे कश्मीरी पंडितों की क्या सिचुएशन है, क्या मांगे हैं, बस इसी पर बात की गई है, और यही मूवी का थीम है, और मेरे हिसाब से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित हो रही है। मैंने भी अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं ना, इससे तो यही साबित होता है कि ये मूवी उन मूवीज़ पर और उन लोगों पर जो अपनी मूवी को चलाने के लिए इतने हद तक नीचे गिर जाते हैं, ये उन लोगों पर बहुत बड़ा तमाचा है। सच बताऊँ तो मैंने आज तक किसी भी नॉन प्रमोटेड मूवीज़ के लिए ऑडियंस के दिल में इतना प्यार नहीं देखा है, जिसमें ना तो कोई फेमस एक्टर है और ना ही कोई ड्रामेटिक स्टेप, जस्ट मूवी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है एंड ट्रूथ है, और सिर्फ इसलिए लोगों के इमोशंस भी इस मूवी से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। अब तो ऐसा रहा है कि ये मूवी बॉलीवुड की है ही नहीं, जिस तरह के इस पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी तक 4 स्टेट्स में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, और कल ही कर्नाटक में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। कर्नाटक के CM ने इसे बहुत इनकरेज भी किया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ ये भी आ रही है कि PM मोदी भी इस पूरे कास्ट को मिलकर उन्हें इनकरेज करने वाले हैं। सच में जिस मूवी को बस 500 स्क्रीन्स मिली हो पूरे इंडिया में, उसने साबित कर दिया है कि व्हाट्स द पावर ऑफ ऑडियंस। अगर ऑडियंस चाहे तो हाई बजट मूवी को गिरा भी सकती है, और अगर ऑडियंस चाहे तो किसी लो बजट मूवी एंड अनएक्सपेक्टेड मूवी को उठा भी सकती है। आज की डेट में राधे श्याम एंड गंगूबाई भी थिएटर में लगी हुई है, लेकिन अभी उन्हें कश्मीर फाइल्स के सामने कोई पूछ भी नहीं रहा है। एंड ये फर्स्ट मूवी है जिसे IMTV की तरफ से इतनी ज़्यादा रेटिंग्स मिली है, मतलब सच में दिस मूवी इज़ अ मास्टरपीस। और ये मूवी उन मूवीज़ में से एक है जो सिर्फ कमाई करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमोशंस और लोगों के विचारों को सामने रखने के लिए बनाई गई है। क्या आपने कभी किसी को फिल्म देखकर इतने भावुक और चिल्लाते हुए देखा? ये महिला कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती है। ये महिला गुस्सा नहीं बल्कि भावुक हो गई है। क्या आपने कभी किसी डायरेक्टर के ऐसे पैर छूते हुए देखा? क्या आपने कभी किसी को इस तरह से एक्टर से लिपट कर रोते हुए देखा? इन आंसुओं को देखकर किसका दिल नहीं पिघलेगा? ये 32 साल पुराना वो दर्द है जिसका जख्म आज भी खड़ा है। ये महिला द कश्मीर फाइल्स देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। ये फिल्म देखकर उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्हें भी कश्मीर है कि किस तरह से लोगों के इतने सालों के इमोशन मूवी को देखकर फिर से ट्रिगर हो रहे हैं, और इस वजह से इस मूवी को इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू।